गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोहन व्लॉग्स। और आज मैं आ गया हूँ फिर से अपने गुरु नानक बजाज पे। और ये साउथ दिल्ली के अंदर बजाज का एक ही मतलब शोरूम है, जो अच्छा शोरूम है और यहाँ पे आपको अच्छी डील मिल सकती है, इसलिए मैं यहाँ पे आके शूट करता हूँ। ठीक है, सो आज मैं आपके लिए रिव्यू करने जा रहा हूँ एक बजाज की बहुत ही बेहतरीन बाइक। बजाज की तरफ से बिल्कुल न्यू लॉन्च है, जो कि रहने वाला है अपना पल्सर N250। सो F250 की वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी, अगर नहीं देखी है तो कार्ड ऊपर आ रहा है, वहाँ जाके देख लो। अब मैं आपको N250 दिखाता हूँ, ये लिटरली ट्रांसफार्मर बाइक है, जिसका लुक है वो पूरा ट्रांसफार्मर जैसा है। सो एक बार आपको बाइक का मैं वॉक अराउंड दिखाता हूँ, फिर सारे फीचर समझाता हूँ बाइक में क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या दिया गया है बाइक के अंदर, और बिल्कुल न्यू बाइक है। मैं आपको दिखाता हूँ, चलो बाइक की तरफ चलते पहले। सो गाइज, दिस इज़ आवर पल्सर N250। और ये देख लो यार, इसका आगे का लुक मतलब कितना ट्रांसफार्मर लुक है ना। एक बार आपको थोड़ा नीचे से दिखाता हूँ मैं, ये देखो यार, ये जो एंगल आ रहा है ना, इस एंगल पे देखो कितना तगड़ा लुक दे रही है यार ये बाइक, मतलब मज़ा आ गया देख के। और एक बार आपको साइड से दिखाता हूँ पूरा वॉक अराउंड, क्योंकि काफ़ी लोग डिमांड करते हैं कि वॉक अराउंड पूरा लुक वाइज देखना चाहते हैं, तो एक बार आपको मैं साइड से भी दिखा देता हूँ। सो ये देख लो, ये है इसका पूरा साइड लुक, ये देखो। ठीक है, तो ये साइड लुक में भी देख लो कितनी ज़बरदस्त लग रही है बाइक, और कलर तो बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, जो उसका कलर है ना रेड, भाई मज़ा आ गया देख के। अब मैं आपको ना पहले फ्रंट से दिखाता हूँ, फ्रंट से फीचर बताता हूँ, फिर पीछे से फीचर्स बताता हूँ। ठीक है, तो पहले इसको कर देते ऑफ। हाँ, अब देखो भाई, ये है उसका पूरा फ्रंट फेशिया, ये देख सकते हो आप। ठीक है, और किसका जो लुक है ना, ये जो ट्रांसफार्मर लुक जो दिया है ना बजाज ने, मतलब बहुत ही प्यारा लुक लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लुक लग रहा है। ठीक है, सबसे बता दूँ इसकी हेडलाइट्स। सो ये है इसकी पूरी हेडलाइट, जो कि ऑल LED हेडलाइट्स है विद सिंगल प्रोजेक्टर, यहाँ पे प्रोजेक्टर दिया हुआ है, और ये प्रोजेक्टर बहुत अच्छा है, आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार स्टार्ट करके भाई। सो ये देख लो, ये है इसके LED DRL जो अब ऑन हो गए हैं। ठीक है, अब मैं एक बार स्टार्ट करता हूँ भाई, और इसका प्रोजेक्टर ऑन करता हूँ, ये देख लो, लुक चेक करो आप। ठीक है, अब ये ऑफ कर देते हैं भाई। तो ये देखिए आपने, इसके हेडलाइट का जो थ्रो है कितना ही बेहतरीन है और कितना अच्छा है। और ये देख लो, यहाँ पे जो इसका मास्क पे ना, ये रेड पूरा दिया हुआ है कलर, रेड एंड ब्लैक में, वो भी ग्लॉस ब्लैक में दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पे इसका नंबर प्लेट का अपना होल्डर दिया हुआ है, यहाँ पे नंबर प्लेट फिक्स होगी बाइक की। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो थोड़ा सा, ये जो मतलब स्टिकर फिनिश दिया हुआ है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, जो अपना ग्रे एंड वाइट में है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और बजाज की जो पेंट क्वालिटी है, और जो उसमें प्लास्टिक जो इम्प्रूवमेंट किया हुआ है फिट एंड फिनिश में, बहुत इंप्रूव किया बजाज ने। ठीक है, और ये दिखाया तो इंडिकेटर्स, तो ये इंडिकेटर्स भी इसके LED रहने वाले हैं। मैं आपको एक बार स्टार्ट करके दिखा देता हूँ, एक बार इसके इंडिकेटर्स ऑन कर देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए। सो ये कुछ इस तरीके से चलते हैं, देख लीजिए LED इंडिकेटर्स, अब इनको कर देते हैं बंद। ठीक है, और ये देख लो, ये है इसके टेलीस्कोपिक फोक्स, और ये इसका है मड गार्ड, जो कि फ्लोटिंग डिज़ाइन में रहने वाला है, अपना हाफ ब्लैक एंड हाफ रेड में है। सो ये देख लीजिए, फ्लोटिंग वाला रेड में है, और अपना पीछे जो है वो पूरा ब्लैक पार्ट है, मैट ब्लैक में है पूरा। ठीक है, और ये देख लीजिए, यहाँ पे ABS की बैजिंग दी हुई है, सिंगल चैनल ABS के साथ ये बाइक आती है, और फ्रंट फोक्स, और ये अपने फोक्स पे आप देख सकते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्टर दिया हुआ है, जो कि एक सेफ्टी नॉर्म्स में है, जो अपने सेफ्टी नॉर्म्स में आता है। और ग्रीमिका के इसके अंदर ब्रेक कैलिपर्स दिए गए हैं, और ये देख सकते हैं इसकी जो पूरी मतलब डिस्क ब्रेक है, पूरी काफ़ी बड़ी डिस्क ब्रेक है, और विद ABS रिंग, और सिंगल चैनल ABS, जैसे आपको मैंने बताया सिंगल चैनल ABS इसके अंदर। और ये देख सकते हैं इसमें MRF का नाइलो ग्रिप जैपर टायर है, और इसका जो साइज़ रहने वाला है, ये 100x80 सेक्शन का टायर रहेगा विद 17 इंचज व्हील। और इसके जो एलॉय व्हील्स हैं, इसके एलॉय व्हील्स बिल्कुल NS और RS के सेम टू सेम है, बट इनका जो वेट है उनसे कम है, वेट कम किया गया है इसमें, कुछ न्यू मेटल का यूज़ किया गया है, तो उससे क्या, न्यू एलुमिनियम का यूज़ किया गया, उससे क्या, तो कुछ थोड़ा वेट कम हो गया है इसका। और ये बहुत ही मतलब डिज़ाइन वही है बट कलर कर दिया है, और यहाँ पे टायर पे कुछ ग्राफिक्स दे दिए गए हैं एलॉय पे, तो ये ग्राफिक्स भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। और बाकी इसका जो कलर है ग्रे कलर, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है इसके अंदर, मैच कर रहा है काफ़ी। सो ये अपना कुछ फ्रंट इसका फेशिया हो गया, ये देख लीजिए आप। ठीक है, और ये इसके पूरे हैंडल बार्स वगैरह है। सो अब चलते हैं पूरे साइड लुक में। सो ये देख लीजिए, ये है कुछ बाइक का साइड लुक, और ये आप पूरा चेक कर सकते हैं किस तरीके का पूरा साइड लुक आ रहा है, ये देख सकते हैं। ठीक है, तो साइड लुक में ये है अपना पूरा टैंक, और टैंक यार काफ़ी यूज है। और सबसे अच्छी बता दूँ इस बात की, जो टैंक की अच्छी बात क्या है कि ये मेटल है, ये कोई वो फाइबर टैंक नहीं दिया गया है जैसे बाइकों के अंदर आ रहा है आज के टाइम, बट ये मेटल में है पूरा, ये पूरा मेटल फिनिश के साथ है। और जो इसमें फिनिश है, पेंट की क्वालिटी, ये देखो यार, मतलब पूरा फेस देख सकता है बंदा अपना, इतना प्यारा इसकी पेंट की क्वालिटी दी गई है। और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी इसमें ग्राफिक्स दिए हैं, यहाँ भी ग्राफिक्स दिए हैं, यहाँ भी ग्राफिक्स,
और ये देख लो ये पूरी पल्सर की बैजिंग दी गई है। सो ये देखो कितनी अच्छी लग रही है पल्सर की बैजिंग, ये देख सकते हो। और यहाँ पूरा ना ग्राफिक दिया हुआ है पल्सर की बैजिंग के नीचे, ये पूरा ग्राफिक्स है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देखो एक बार दूर से देखो, एक बार अब यहाँ से देखो पल्सर की बैजिंग और पल्सर का जो पल्सर का लोगो है ना भाई, ये इमोशन है, ये कोई बाइक नहीं है, ये एक इमोशन है। जिन लोगों के पास पल्सर है, जिन लोगों ने पल्सर यूज़ करी है, उनको पता है कि पल्सर क्या चीज़ है, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे भी पूरे ग्राफिक्स दिए गए हैं, मतलब इतना जो कलर स्कीम है, जो उसके ग्राफिक डिज़ाइन है ना, वो बहुत अच्छा बनाया हुआ, बहुत अच्छा बनाया हुआ है। और यहाँ से थोड़ा सा ये एयर के लिए दिया हुआ है, ताकि थोड़ा सा अगर हाई स्पीड पे एयर आए तो उसके लिए थोड़ा सा, मतलब इसको एरोडायनेमिक बनाया हुआ है इस तरीके से। उसका ये जो टैंक एक्सटेंशन है, ये बहुत ही अच्छे हैं कि इसको थोड़ा सा, मतलब कैसा करा गया है कि एरोडायनेमिकली है, पूरा एरोडायनेमिकली बहुत अच्छा बनाया हुआ है, तो ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है, ठीक है। और N250 का जो मेन डिफरेंस है ना, वो मेन डिफरेंस एक तो फेयरिंग का हो गया, जो हाफ सेमी फेयरिंग है। दूसरा मेन डिफरेंस जो रहने वाला है, वो रहने वाला है इसके हैंडल बार्स। इसके अंदर स्ट्रेट हैंडल बार है और अपनी F250 के अंदर क्लिप ऑन्स आता है, ठीक है। तो ये जो बाइक है, ये मोर ऑफ अपना स्ट्रीट, जो स्ट्रीट फाइटर टाइप में आती है, स्ट्रीट में आती है, स्ट्रीट में आप चला सकते हैं डेली राइडिंग के लिए। डेली राइडिंग आप उससे भी कर सकते हैं, उससे हाईवे टूरिंग वगैरह कर सकते हैं। उससे आपको क्या होगा कि आपकी जो विंड प्रोटेक्शन उसमें थोड़ी ज़्यादा रहेगी। इसमें विंड प्रोटेक्शन के नाम पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये एक थोड़ी स्ट्रीट फाइटर लुक के साथ है, तो इसमें आगे आगे आपका वो नहीं मिलता, विंड स्क्रीन नहीं मिलती, तो वो आपको F250 में मिलेगी। सो अब बात करते हैं इसके स्विचेस की वजह से। तो स्विचेस देख लो यार, जो स्विचेस की क्वालिटी है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करी है बजाज ने, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है स्विचेस वगैरह मेरे को। और ये देख लो, ये इसका इंजन कुल स्विच, यहाँ पे स्टार्ट स्विच है, और ये देख लीजिए यहाँ पे, मतलब कितनी ही बेहतरीन है स्विचेस क्वालिटी वगैरह इसके। ये हाई बीम लो बीम पास का, ठीक है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे इंडिकेटर्स, ये सब। और इसके मिरर्स तो जो फिनिश है ना, मिरर्स की फिनिश बहुत अच्छी है, बहुत अलग तरीके के मिरर है। बट डोमिनार के मिरर तो हमेशा अच्छे हैं, सबको पता है। आप लोग सुपर बाइक में लगवा लेते हैं वो डोमिनार के मिरर निकलवा के, इतने अच्छे मिरर दिए डोमिनार के अंदर। बाकी ये देख लो इसके मिरर्स कितने ही बेस्ट हैं, बढ़िया लग रहे हैं मिरर्स भी। और अब ना मैं आपको एक बार इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ मीटर को। तो मीटर का ना आप ये देखना, जो इसके ट्रांजिशन होता है किस तरीके से होता है भाई। ये देखो, ये है इसका ट्रांजिशन। और इसमें जो निडल है ना, ये आपने टैकोमीटर की निडल, ये बहुत ही अच्छा लुक है, जो फुली डिजिटल इसको कभी मैच नहीं कर सकता इस चीज़ को। और ये जो इसका जो डिजिटल ही साइड में दिया गया है, और ये इन्फिनिटी डिस्प्ले के साथ है, मतलब आप देखते हो पूरा इन्फिनिटी एच तक है। तो ये इसमें मच बेटर लगता है, F250 से ज़्यादा मुझे मच बेटर इसमें लगता है इसका जो ये कंसोल है पूरा। और इसमें अपना डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह सब कुछ शो करता है इसमें, आप देख सकते हो डिस्टेंस टू एम्प्टी, अपना गियर पोजीशन इंडिकेटर टाइम वगैरह सब कुछ इसमें शो करेगा। बाकी इसको यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसमें भी जैसे कि देखते हो ओडो आ गया, ठीक है, ये फ्यूल इकोनॉमी वगैरह सब कुछ शो करेगा आपका इसके अंदर, ट्रिप वन ट्रिप टू। तो ये डिस्टेंस टू एम्प्टी भी आ गया अब, सो ये सब कुछ शो करेगा इसमें, ओडो वगैरह सब आ रहा है ना। और बिल्कुल ब्रांड न्यू बाइक है, 2 किलोमीटर चली है, वो भी जिनके नाम पे बुक हो चुकी है बाइक, उन्होंने शायद इसको टेस्ट ड्राइव वगैरह जो भी लिया होगा। तो भाई यह लाने ले जाने में थोड़ा बहुत हो जाता है, वो सब है, बाकी बिल्कुल एकदम ब्रांड न्यू बाइक है। मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये देख लो उसके टैंक, देख लो कितना बड़ा टैंक का एक्सटेंशन यहाँ पे, और यहाँ पे ये ब्लैक कलर का पार्ट दिया हुआ है। और सबसे अच्छी बात कि यहाँ पे आपको एक USB चार्जिंग मिल जाएगा, इसमें आप कहीं भी लॉन्ग राइड करते हैं तो अपने आप फ़ोन वगैरह को चार्ज कर सकते हैं, अपने जो भी आपके पास कैमरा वगैरह कैरी करें तो उसको भी आप USB से चार्ज कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है इसके अंदर। बाकी स्ट्रेट हैंडल बार है, स्ट्रेट पोजीशन है बैठने की, तो बैठने में ऐसा क्यों नहीं, आपको लीन होकर बैठना पड़ेगा, बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन है। आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, लॉन्ग राइड कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। और फोक्स वगैरह का साइज़ भी अच्छा है, तो फोक्स में भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अपने टेलीस्कोपी के नॉर्मल फोक्स है, बट अच्छे हैं, मतलब उनका जो विड्थ है वो अच्छा है, डायमीटर अच्छा है फोक्स का, ठीक है। और अब बात करते हैं सीट्स की। तो सीट जो देख लो आप, सीट भी मतलब ना काफ़ी ब्रॉड सीट दी हुई है राइडर के लिए एज वेल एज पिलियन के लिए। तो ये चीज़ बजाज ने कहाँ से देखा है, ये जो अपने NS RS के अंदर थोड़ा सा राइडर सीट मतलब पिलियन सीट को लेकर थोड़ा अनकंफर्टेबल जो भी रहता है, तो वो इसमें ऐसा कुछ नहीं। इसमें कुशनिंग भी देख लो, बहुत सॉफ्ट कुशनिंग, अच्छी कुशनिंग दी गई है, और सीट काफ़ी मतलब लंबी भी है और ब्रॉड भी काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं। तो दोनों राइडर पिलियन के लिए जो सीट है ना, वो बहुत अच्छी दी गई है। और सीट पर देख लो यहाँ पर पल्सर की बैजिंग, पल्सर को लोगो दिया हुआ है। और यहाँ पे देख लें साइड में, यहाँ पे N250 की बैजिंग दी गई है, और बिल्कुल रेड फिनिश है, ग्लॉस रेड है एकदम, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे थोड़ा सा ग्लॉस फिनिश में, थोड़ी मैट फिनिश में है, मैट ब्लैक। और ये ग्रैब रेल्स दिए गए हैं, तो ग्रैब रेल्स भी बहुत अच्छे हैं, और पूरा आई थिंक एलुमिनियम में है, तो अच्छे हैं ये भी। और इसको सिल्वर फिनिश के साथ है, तो बहुत बढ़िया लग रहा है, ग्रैब रेल्स मतलब मैच कर रहे हैं पूरी बाइक के साथ। और आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे ये पिलियन के लिए फुट रेस्ट है, और ये राइडर के लिए फुट रेस्ट दिया हुआ है। सो ये भी बहुत अच्छा मतलब सिल्वर फिनिश में, तो ये सब पूरा मैच कर रहा है, मतलब बाइक के जो कलर के साथ पूरा कॉन्ट्रास्ट मैच कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से कुछ बहुत अलग ही कर दिया बजाज ने जो अच्छा नहीं लग रहा, बट ये बिल्कुल मैच कर रहा है, मतलब बढ़िया लग रहा है, ठीक है। तो ये देख लो एक बार इस साइड से पूरी लुक देख लो आप।
और बाकी जो ये प्लास्टिक पैनल्स जो यूज़ कर रहे हैं, ये सब जो फिट एंड फिनिश क्वालिटी है ना, जो पैनल गैप वगैरह जो पहले दिक्कत थी 220 वगैरह के अंदर, तो वो सब बजाज ने इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट करी है कि इसमें कोई पैनल गैप नहीं है अनयूजुअल, और काफ़ी मतलब पेंट क्वालिटी देख लो, पैनल गैप देख लो, सब में काफ़ी इंप्रूवमेंट है इसके अंदर बाइक के अंदर, ठीक है। और बात करें बाइक के हर्ट की, तो ये बाइक का हर्ट है जो बाइक का इंजन है, और ये बिल्कुल ब्रांड न्यू इंजन है जो मतलब बजाज ने खुद बनाया है, जो कहीं से ड्राइव नहीं करा हुआ। और ये जो इंजन है ये 250 सीसी का अपना ऑयल कूल इंजन है। सो इसमें आपको ऑयल कूलर दिखाता हूँ, पहले तो ये देख लो, ये है इसका ऑयल कूलर, और ऑयल कूलर का साइज़ काफ़ी बड़ा है और अच्छा ऑयल कूलर है, मतलब अच्छे से इंजन को आपकी इंजन को मतलब ठंडा रखेगा, और एज वेल एज साथ में ये एयर कूल्ड इंजन भी है, तो दोनों तरीके से आपके इंजन की कूलिंग होगी, तो इसमें हीटिंग इशू तो होने का कोई मतलब ही नहीं है। और 250 सीसी का है, 24.5 पीएस की पावर है, 21.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, और काफ़ी टॉर्क की इंजन है। आप किसी भी मतलब 5 स्पीड जो गेयरबॉक्स इसमें दिया हुआ है ना, ऐसा लगेगा नहीं कि आपको गेयरबॉक्स की जो 5 गियर है 6 गियर इसमें होने चाहिए, किसी की कमी महसूस नहीं होगी आपको। और ये इजीली 5th गियर में भी 140 टच कर जाती है बाइक, इजीली टच कर जाती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आपकी जो इसमें गियरिंग दी गई है, गियरिंग जो रेशियो है वो बहुत अच्छा दिया गया है, तो ऐसा कहीं लगेगा नहीं कि बार बार अपशिफ्ट और डाउन शिफ्ट करना पड़ रहा है, और वो टॉर्क की वजह से वो भी आपको कभी फील नहीं होगा। आप किसी भी 3rd गियर में भी अगर आपकी 20-30 की स्पीड है, तो वहाँ से भी अगर आप एक्सेलरेट करेंगे तो इजीली ये पिकअप उठा लेगी बाइक। तो इसको काफ़ी सोच समझ के क्या, क्योंकि जो पल्सर का नाम है वो एक्चुअली टॉर्क और जो उसकी पावर के, उससे ही हमेशा पल्सर फेमस थी, तो इसमें वो चीज़ कैरी फॉरवर्ड किया गया बजाज की साइड से। और इसमें बेली पेन दिया हुआ है, तो बेली पेन में भी देख लो, यहाँ पे इसमें भी फ्लोटिंग डिज़ाइन दिया गया रेड एंड ब्लैक में, रेड एंड मैट ब्लैक। तो ये देख लो, ये रेड में है विद स्टिकर यहाँ पे दिया गया है, और पूरा ये मैट फिनिश में है, तो ये बेली पेन बहुत अच्छा लग रहा है। सो ये देख लीजिए एक बार आप बेली पेन इसका, तो बहुत ही बढ़िया लुक दे रहा है बेली पेन वगैरह। और ये इसमें आपको कंपनी फिटेड आपको ये भी मिलेंगे जो अपने नी गार्ड्स वगैरह हैं, सो अगर बाइक गिरती भी है तो इसके ऊपर पूरा बाइक का वजन आ जाएगा, आपके हैंडल वगैरह नहीं ख़राब होंगे। बाकी इसमें मॉडिफिकेशंस में बहुत कुछ अगर आप आफ्टर मार्केट जाते करा सकते हो। बाकी एग्जॉस्ट का साउंड भी सुनाऊंगा, एग्जॉस्ट का साउंड बहुत ही अच्छा है। और अब चलते हैं जो पल्सर की टेल लैम्प में जो इन्होंने चेंज करा है वो आपको दिखा देता हूँ। ये देखो आप, ये बूमरैंग शेप में टेल लैम्प कर दी है पल्सर की। तो जितनी भी अब न्यू पल्सर आएंगी पल्सर लाइनर्स में, जितनी भी अब जो 2022 में जितनी भी न्यू पल्सर आएंगी, वो सब में आपको इस तरीके से ही कुछ टेल लैम्प देखने को मिलेगी। और ये इसका पूरा देख लीजिए, ये पूरा इसका दिया हुआ है, और इसमें भी अपने LED इंडिकेटर्स है, यहाँ पे नंबर प्लेट अपनी लगेगी, तो ये बहुत अच्छा दिया हुआ है। और टायर अगर दिया हुआ है, टायर अगर बोथ साइड सपोर्टेड है, NS की तरह नहीं है कि एक साइड सपोर्ट दिया हुआ है, बोथ साइड सपोर्टेड है, और क्वालिटी इसकी काफ़ी रिच क्वालिटी में, अच्छी क्वालिटी है, ठीक है। और ये देख लीजिए एक बार आप, यहाँ पे भी इसका जो मडगार्ड दिया, रियर मडगार्ड भी काफ़ी अच्छा है, और इसका मोनो सस्पेंशन दिया हुआ है पीछे, और काफ़ी अच्छा सस्पेंशन है, सॉफ्ट सस्पेंशन है, सिटी राइडिंग के हिसाब से पूरा किया गया। अगर हाईवे पे जाएंगे, टॉप स्पीड पे जाएंगे, तो अच्छी आपको स्टेबिलिटी भी देगा, ठीक है। और ये इसका डुअल बैरल एग्जॉस्ट है, सो एग्जॉस्ट देख लीजिए, जितना ये दिख रहा है ना देखने में इतना बड़ा है एग्जॉस्ट, उसका साउंड भी उतना अच्छा, काफ़ी बेसी साउंड है, आपको सुनाता हूँ मैं इसका बेसी साउंड लास्ट में। सो उससे पहले हम चलते हैं इसके टायर की तरफ, रियर टायर की तरफ। सो इसका ये रियर टायर है, MNF का नाइलॉन ग्रिप जैपर टायर है, जो कि साइज़ रहने वाला है इसका 130 सेक्शन का टायर है, 130/170 R17 इंचेस व्हील है, और इसमें भी डिस्क ब्रेक के साथ ABS रिंग दी गई है। और ABS, ये जो ABS रिंग नहीं है, ये एक्चुअली स्पीड सेंसिंग रिंग दी है, जो आगे ABS को बताता है कि इसकी स्पीड वगैरह क्या है, उस हिसाब से वो ब्रेकिंग वगैरह होती है प्रॉपर, ठीक है। और बाकी ये देख लीजिए, ये पूरे इसके व्हील्स हैं, व्हील्स पे स्टिकर वगैरह दिया हुआ है, सो ये काफ़ी अच्छा, मतलब जो ग्रे व्हील्स हैं ना बहुत अच्छे हैं, ब्लैक व्हील्स थोड़े बेटर लगते हैं, ग्रे व्हील्स बाइक के ऊपर अच्छे लग रहे हैं ये, ठीक है। और बाकी जो बाइक की जो फिट एंड फिनिश क्वालिटी है, और जो उसकी चेसी है, वो चेसी बिल्कुल ब्रांड न्यू है, ये कोई पैरामीटर फ्रेम पे बनाई नहीं गई है बाइक, जो अपनी NS RS डोमिनर वगैरह आती है, बिल्कुल न्यू है। और बता दूँ इंजन में इसके आपका स्लीपर क्लच दिया हुआ है, किसी भी स्पीड पे आप इसको डाउनशिफ्ट कर सकते हैं, आपको जर्क फील नहीं होगा बाइक के अंदर। और ये बहुत ही मतलब जिस प्राइस पॉइंट पे बाइक आती है, इस प्राइस पॉइंट पे मुझे लगता है कोई और कंपनी ऑफर करेगी आपको स्लीपर क्लच वगैरह और ये सारे फीचर्स, तो बहुत ही अच्छे फीचर है। अगर आप जिक्सर से कंपेयर करेंगे, जिक्सर से भी अच्छे फीचर्स के अंदर बाइक के अंदर है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ आपको एक बार इसका एग्जॉस्ट साउंड सुना देता हूँ, और एक बार आपको मीटर में दिखाता हूँ कि मीटर में ये हाई रेव करके कैसे फील होता है। तो एक बार चलते हैं, इसका स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं बाइक। सो एक बार देखना ये कि मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ पहले, जो इसका RPM को जब आपको बता रहा था ना किस तरीके से होता है, ये देखो बाइक स्टार्ट हो गई है इजीली। ये देखो ये जो नीडल आती है ना ऊपर, इसका फील अलग है। अब चलते हैं इसका एग्जॉस्ट साउंड की तरफ, तो ये है इसका एग्जॉस्ट साउंड, तो इसका एग्जॉस्ट साउंड सुनो आप। सो
यार मैं बता रहा हूँ, उसका एग्जॉस्ट साउंड बहुत अच्छा है, बहुत बेसिक एग्जॉस्ट साउंड है। और ये बाइक का जो लुक है ना पूरा, आपको एक बार दिखाता हूँ, एक बार इसको स्टार्ट कर देते हैं ऐसे। हाँ अब मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि इसका लुक किस तरीके से आ रहा है। सो एक बार ये देखो, ये जो उसका लुक आ रहा है ना, मतलब लग रही है ट्रांसफॉर्मर, लग रही है डेविल, लग रही है एक तरीके से कि आप रोड पर निकलेगी और जितनी बाइक है सबको खा जाएगी। सो बेटर ऑप्शन है अगर आप एमटी से, एमटी नहीं लेना चाहते तो उससे बहुत बेटर ऑप्शन ये है। और आपको कम प्राइस में ज़्यादा सीसी की बाइक मिल सकती है और कोई दिक्कत नहीं है आपको इस बाइक के अंदर। बहुत ही अच्छी बाइक है, फ्यूल इंजेक्शन वगैरह सब कुछ है। और बाकी पता है बजाज की अवेलेबिलिटी, बजाज के सर्विस सेंटर हर जगह अवेलेबल है और अपनी इंडियन बेस्ड ब्रांड है, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। ठीक है, वो बाइक बहुत ही अच्छी है, बजाज ने बहुत अच्छा काम करा बाइक के साथ और बहुत ही एक न्यू बाइक लेकर आई है। जितनी भी अब पल्सर्स आएंगी वो सारी इसी प्लेटफॉर्म पर आएंगी, इसी तरीके से अपना कुछ लुक रहेगा वो जितनी भी न्यू पल्सर्स आएंगी उनका। ठीक है, तो बाइक अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी आपसे मिलता है थोड़ी देर में। सो गाइज अपनी पल्सर N250 में दो कलर्स अवेलेबल है, एक ये रेड कलर अवेलेबल है और एक अपना एक ग्रे कलर है। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ ग्रे कलर किस तरीके से, देख लो यार, मतलब मुझे तो बेटर रेड लग रहा है। बाकी चॉइस है, वो सबके अपनी अपनी चॉइस हो सकती है कलर को लेकर। तो ये कलर भी बहुत अच्छा है, ग्लॉसी कलर है और ये भी कलर में मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और ये देख सकते हो, एक बार आप दूर से देख लो ये कलर भी और एक बार ये रहा कलर। सो ये बहुत कलर मैंने आपको दिखा दिए। ठीक है, अब आपको जो कलर इसमें से पसंद हो आप गुरु नानक बजाज पे कांटेक्ट करो, अपनी बुकिंग कराओ, अपनी बाइक अपने घर लेके जाओ। मैं आपको एक बार की और दिखा देता हूँ इसकी, क्योंकि मैंने आपको शायद की नहीं दिखाई है। सो दिस इज़ द की, ये देख लो, ये है की बजाज के लोगों के साथ। और की अच्छी है, पहले से थोड़ा बहुत बजाज ने थोड़ा सा ऊपर से चेंज कर दी है, बाकी अच्छी की दी गई है। गाइस मैं होप करता हूँ यार आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको ये बाइक परचेज करनी है पल्सर N250, सो उसके लिए आपको पता है ना आपने कहाँ पे कॉन्टेक्ट करना है, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, जाओ और गुरु नानक बजाज का नंबर है, कॉन्टेक्ट करो और अपनी बाइक को परचेज करो। और बता दूँ बाइक का प्राइस जो है ऑन रोड डेली वो 1.63 लाख है। सो अगर आप मेरे चैनल के थ्रू बताएंगे आए हैं तो आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी ऑफर करेंगी गुरु नानक बजाज से। सो बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। सो टिल देन सी यू, ओके बाय।